शिवराज सिंह जी निकल पड़े हैं मिशन में, घोषणाओं की मिशन में, आश्वासन की मिशन में। 18 साल जो उन्होंने नहीं किया, अब उन्हें कभी लाडली बहन याद आती है, कभी आदिवासी याद आते हैं, कभी किसान याद आते हैं। ये इनको हमेशा चुनाव के पहले ये कलाकारी में लग जाते हैं और रोज कहीं ना कहीं ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो चुनाव तक तो जिसकी शुरुआत ही नहीं होनी। आज प्रदेश को ये हिसाब दें, इन्होंने निकाली विकास यात्रा। विकास यात्रा में 160 क्षेत्रों में, 160 निर्वाचन क्षेत्रों में इनका विरोध हुआ। अब ये निकल गए हैं कि पूछने के लिए कि कमलनाथ हिसाब दें। मैं किस बात का हिसाब दूं, ये 18 साल का हिसाब दें, मैं अपने 15 महीने का हिसाब देता हूं। और इन्होंने जो प्रदेश का सत्यानाश किया है, हमारे नौजवानों के भविष्य का, हमारे कृषि क्षेत्र का, हमारे पुलिस व्यवस्था का, जो भी जहां देखो आज हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा भटकता हुआ किसान, और नरसिंहपुर जैसा जिला जो लगभग पूरा ही कृषि प्रधान जिला है, यहाँ किसानों को किस तरह भटकना पड़ा खाद के लिए, किसानों को क्या मूल्य मिल रहा है, इन सब का जवाब उनके पास नहीं। ध्यान मोड़ने की राजनीति, कलाकारी की राजनीति। रोज उनका प्रोग्राम जब मैं देखता हूँ, रोज का रोज कहीं ना कहीं जाके ये अपनी कलाकारी करते हैं। आश्वासन के मिशन में, आश्वासन के नशे में है, मैं तो कह रहा हूँ घोषणाओं के नशे में है शिवराज सिंह जी। बताइए, एक-एक करके, एक-एक करके। योजना आई आपका अनुभव 15 महीने का मुख्यमंत्री का यह रहा, केंद्र ने आपको आजकल ये राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप पर लगाना, इनकी नैतिकता गिर रही है, कैसे हम सत्ता का मान करें? देखिए, आज के दिन जो राजनीति है, बड़ा मैं इसको तो दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि आज राज्यों में और सेंटर में क्लैश होना, हर प्रदेश में लगभग क्लैश है। ऐसा कौन सा प्रदेश बचा है जहाँ ये तनाव नहीं हो रहा, क्लैश नहीं हो रहा? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमारे संविधान में सब चीज़ों का प्रावधान है, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो ये इसका परिणाम होता है। तो इस बार आप फिर मैदान में हैं, तैयारियां जोरों पे हैं, सरकार बनाने की कवायद फिर चालू हो गई, क्या गारंटी इस बार फिर लोग नहीं बिकेंगे? देखिए, जो बिके उन्होंने अब एहसास कर लिया, और मध्य प्रदेश की जनता इस दफा ऐसा फैसला करेगी कि बिकने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सर, रिलेटेड इसी से एक क्वेश्चन है, हमेशा मीडिया रिपोर्ट आती है कि आप एक सर्वे करा रहे हैं जिसके आधार पे कभी 40 कभी 46 विधायकों को टिकट कटे, लेकिन कभी 46 विधायकों को टिकट कटने से मीडिया रिपोर्ट आ रही है आप सर्वे कर रहे हैं, उसी से जुड़ा दूसरा पार्ट ये है कि आप हमेशा कहते हैं सौदेबाजी से राजनीति करके मेरी सरकार के, तो ऐसे समय में जो लोगों ने बिल्कुल सौदा नहीं किया आपके साथ टिके रहे हैं, यदि उनके टिकट कटेंगे उनकी परिस्थिति कैसे? देखिए, हम स्थानीय, ये भोपाल से फैसला टिकट का हम नहीं केवल करेंगे, हम स्थानीय लोगों से चर्चा करके, और वही मैं करता हूँ, स्थानीय लोगों से चर्चा करके। सर्वे अपनी जगह है, सर्वे एक इशारा होता है, पर सर्वे फाइनल नहीं होता कभी, पर स्थानीय लोग ही तय करते हैं कि स्थानीय ही लोग, स्थानीय ही संगठन चुनाव हराता है या चुनाव जिताता है। और राजनीति में इतना परिवर्तन हुआ है, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। लाडली बहना, लाडली बहना योजना को लेकर ये बोल रहे हैं तुरुप का है, लाडली बहना योजना कितना मानते हैं आप इसको? देखिए, ये प्रलोभन देने की बात है, ये प्रलोभन देने की बात है, और मुझे पूरा विश्वास है अपने महिला मतदाताओं पर कि ये समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का प्रलोभन है। चुनाव के बाद इनकी सरकार तो बननी नहीं, पर ये अभी इनको पैसा देके, अगर इरेगुलर पैसा भी दिया जो नियम के अनुसार नहीं है, उन बेचारियों का क्या होगा? आप भी 1500 की बात कर रहे हो? हमने कहा मैं करूंगा जब समय आएगा, हम भी अपनी बात करेंगे, पर अगर एक तरफ देंगे 1000 रुपए, दूसरी तरफ 600 रुपए,
गैस सिलेंडर का भाव बढ़ाएंगे, महंगाई होगी, और ये कहेंगे हम 1000 रुपए दे रहे हैं, तो महिलाओं को फायदा किस बात का हो रहा है? महंगाई से वो पिट गई, गैस सिलेंडर से पिट गई। मैं आदिवासी पुलिस में गोली चलाई, उसमें कांग्रेस कमेटी कुछ सहायता देगी? बिल्कुल, हमने तो घोषणा कर दी कल कि 5 लाख रुपए उस परिवार को देंगे। मैं तो कल गया था, मैं मऊ, बता दूंगा, मैं कल मऊ गया था और खरगोन जिले, जिस लड़के की हत्या हुई उस लड़के के परिवार के साथ मैं बैठा, कल मैं गया था, मैं उस लड़की के घर गया खरगोन जिले में, उन्होंने मुझे दिखाया लड़की के बाप के ऊपर FIR 307 का FIR दर्ज कर दिया, और दर्ज कब किया? 5:04 पर, FIR की कॉपी थी, 5:04 पर, और हंगामा शुरू हुआ 8 बजे। तो ये दबाने और छिपाने का इनका प्रयास है, जो सच्चाई है। उसके परिवार ने, लड़की के परिवार ने कहा ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं है। उसके पिताजी ने कहा कि उसने पिछली रात ही उस लड़की से बात करी कहीं दूसरी जगह, और जब जहां हत्या हुई वो कहते हैं कि ये तो 6 दिन से यहाँ थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्या हाँ बिल्कुल कहा, जो बिके सो बिके, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। ये नहीं कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, मैं जानता था कि क्या सौदा हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री था, मैं सौदा कर सकता था, पर मैंने तय किया कि मैं ये सौदे की राजनीति में नहीं पड़ूंगा, मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनने दूंगा। सर, राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये घोर अन्याय है, क्योंकि जो राहुल गांधी बोलना चाहते हैं इससे ये भागना चाहते हैं। सर, आप शिवराज सरकार पे सवाल तो उठा रहे हैं, मगर स्थानीय मुद्दों की बात आती है, अठारह साल विपक्ष में रहने के बाद स्थानीय मुद्दों पे आपके जनप्रतिनिधि सवाल नहीं उठा पाते, बोल नहीं पाते? नहीं, बिल्कुल सवाल उठाते हैं, जगह जगह मैं जाता। आपके एक विधायक की अगर अवैध खनन, अवैध काम धंधों पे अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आपके एक विधायक, सभी विधायक साथ बैठते हैं उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सभी विधायक साथ बैठे, पूछिए इनसे, सभी विधायक साथ बैठे थे जब इनने आंदोलन किया था, पूरी कांग्रेस एकजुट थी, सुभाष पार्क के बाजू में जो जनपद मैदान है वहाँ पर पूरी कांग्रेस इकट्ठी थी और इनका साथ दिया था। देखिए, जब शासन खुद रेत खुदवा रही है, देखिए आज जनता में मुझे बहुत विश्वास है, जनता में बहुत जागरूकता है, ये केवल आंदोलन करो इससे नहीं होने वाला, आप जिनको ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। चलिए अगला प्रश्न, नहीं आपने और कोई मदन मदन बोलिए, राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, सदन की कार्यवाही को म्यूट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हो रहा है, मैं सदन में रहा 40 साल, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ऐसे हालात कभी नहीं हुई कि किसी को बोलने नहीं दिया जाए। आप आरोप लगा रहे हैं उनके 4-4, 5-5 मंत्री खड़े होके किसी सदस्य पर, राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे, जब वो बोलते हैं जब वो मांगते हैं अध्यक्ष से स्वीकृति की मुझे बोलने दो, वो स्वीकृति दी नहीं जाती। और राहुल गांधी ने कहा क्या ये झूठ फैलाने से? जो राहुल गांधी ने कहा वो विदेश के सब बड़े बड़े जो अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, वो सब लिख रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र हमारे देश में, लेकिन नरसिंहपुर में जो विगत 23 सालों से गन्ना किसानों के फेवर में कांग्रेस तो दूर ही हो चुकी है, क्या कर रहे? बिल्कुल दूर नहीं हुई, एक भी आंदोलन नहीं है 2 साल में आपका, एक भी जनप्रतिनिधि ने किसान बहुत परेशान है, नुकसान नहीं हो रहा है, कोई आंदोलन नहीं है कांग्रेस का, किसान
किसान कांग्रेस ने जो आंदोलन किया उसका पूरा समर्थन हमेशा कांग्रेस ने दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। हमेशा गन्ने का न्यायिक मूल्य देने की बात की है। उसके बाद आज कमलनाथ जी वहां बोलेंगे कि जो गन्ने का परसेंटेज होता है जो केंद्र शासन ने नियुक्त किया है कि गन्ना में जितना परसेंट हो जाता है उसके आधार पर अब पैसा मिलना चाहिए किसान को, ये बात कमलनाथ जी करने वाले। आप मीडिया लोग आगे बढ़ाइए ना, आप लोग तो दबके रह जाते हैं। देखिए आज सौरव के ऊपर हुआ था, मैंने चिल्लाया था, सौरव के ऊपर आक्रमण हुआ था, मैं चिल्लाया था। सबसे ये अभी प्रश्न पूछ रहे, मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में नौजवानों के भविष्य की है। नौजवानों जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में, नरसिंहपुर जिले का भविष्य में, प्रदेश का भविष्य में। और यही नौजवानों में जो तड़फ है आज कि व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले, कोई निवेश यहाँ आता नहीं। ये नाटक से इन्होंने 6 इन्वेस्टमेंट समिट करे हैं और इन 6 इन्वेस्टमेंट समिट में इन्होंने कहा कि 30 लाख, अगर टोटल कर लीजिए अखबारों में ही जो निकला, 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। कहाँ है ये 30 लाख करोड़? 30 लाख करोड़ तो देश में नहीं आता, पर शिवराज सिंह की घोषणा है। आज अगर ये निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। शिवराज सिंह जी के ये इन्वेस्टमेंट समिट से, ये नाटक से कोई निवेश आने वाला नहीं है जब तक लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास ना हो। मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 प्रदेशों से, जिसको अपना सामान बेचना है केरल और तमिलनाडु में, वो पंजाब और हरियाणा में क्यों लगाता है उद्योग, वो नरसिंहपुर में क्यों नहीं लगाता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं है। सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश माना जाता है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश का हल किया है। सब चुनाव जो पिछली बार जो आपकी सीटें हारी होंगी उसके बाद एनालिसिस भी होगा कि क्यों हारे क्यों जीते, इस विषय में नरसिंहपुर का क्या व्यू रहा है? देखिए एक एक सीट के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता, पर बात यह है कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले की तुलना करें, राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। ये अगर हम कारण देखने लग जाएं, 5 साल पहले के कारण, 10 साल पहले के हारने या जीतने के कारण बिल्कुल बदल गए हैं। मैं तो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूं और साफ नजर आता है। बात तो जनता को देख के, जनता आज बहुत समझदार है। ये सोचें कि आज कोई जनता को गुमराह कर लेगा, जनता आज मीडिया के बारे में क्या सोचती है, आपको मुझे समझाने की बात है, जनता आज सरकार के बारे में क्या सोचती है, ये चुप है। समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग चुनाव ना हराते हैं ना जिताते हैं, ये चैनल न्यूज़ चैनल देखने वाले लोग ना चुनाव हराते हैं ना जिताते हैं, जो मनोरंजन के चैनल देखते हैं वही चुनाव हराते हैं और जिताते हैं।